देखिए, मैं हूँ दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में और मैं आपको यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम लोगों से हैं जो कि सीएम के अंडर में आते हैं कार्य, उनकी हम चर्चा करेंगे। बाकी केंद्र के भी अंडर में जो कार्य आते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आंटी जो कि जिनकी चाय की दुकान है, खिचड़ीपुर गाँव में है। इनसे जानते हैं कैसी सुविधा है यहाँ पर। आंटी बताएंगी कुछ, आप तो यहीं रहती हैं। सुविधा तो सही है, अभी लाइन थोड़ी ख़राब चल रही है पानी की वजह से, इस मारे पानी में थोड़ी परेशानी है। हाँ, वैसे तो सब सही है। अच्छा आंटी, अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है किसको वोट देंगी आप? जिसने काम सही करा, जिसने काम सही कर रहे हैं वही। अभी तो मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी हैं, तो क्या अब कोई और चाह रही हैं या फिर उन्हें? नहीं, वही सही हैं, काम सब कर रहे हैं। हॉस्पिटल में काम सही कर रहे हैं, स्कूलों में कर रहे हैं, पानी है, बिजली है, मगर जो है किराएदारों के लिए कुछ नहीं है। मकान मालिक के लिए है यहाँ सब कुछ है। बिजली का बिल किराएदारों से लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? यहाँ लिया जा रहा है, किराएदारों के लिए कहा है, कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेटा यही कहना चाह रहा था कि जैसे अब किराएदार हैं, मकान मालिक तो किराएदारों से पैसे ले रहे हैं बिजली के, गरीबों के लिए कोई सुविधा कुछ सब्सिडी तक तो फ्री है ना, उसके बाद तो किराया ले रहे हैं जी वो। अच्छा, सब्सिडी जो जितनी लिमिट है उससे अगर कम भी आ रहा है तब भी ले रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी किसको जिताना है, केजरीवाल जी को या फिर कोई और? नाम तो केजरीवाल, बीजेपी या काम? बीजेपी के भी काम अपना, मोदी जी तो अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मुख्यमंत्री है ये भी अपनी जगह काम सही कर रहे हैं। नहीं, आपकी फिर से दोबारा आएंगे ना विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो किन्हें आप जिताना? केजरीवाल ही आएंगे जी, केजरीवाल जी को। आप? मैडम, मैं मधुबिहार में रहता हूँ। वैसे यहाँ पे दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था सबसे खराब है। मेरे यहाँ मधुबिहार में भी करीब मैं 6 महीने से हूँ, यहाँ पर पानी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोदी सरकार बेस्ट है। यानी कि दिल्ली में केजरीवाल जी को ही चाह रहे हैं, केंद्र में मोदी जी। आप लोग खिचड़ीपुर गांव में, और मैं आपको दिखा दूँ, तमाम लोग जो हैं यहां पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं और हम बातचीत करते हैं कि मुख्यमंत्री अब जो है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जानते हैं इनसे ये किसको चाहेंगे। बाबा, आप तो काफ़ी साल से रह रहे होंगे यहाँ पे, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? वो तो ठीक है, बढ़िया चल रही है अग्रवाल की। कोई खराबी हो, कोई दिक्कत हो? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना। तो आप कौन से मुख्यमंत्री चाहेंगे बनाना, किन्हें चाहेंगे? ये जावे किन्हें? वो जो क्या कहते हैं, सब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हैं? आप किसको वोट देंगी, आम आदमी पार्टी या भाई आम आदमी या फिर बीजेपी? मनीष सिसोदिया को देंगे। मनीष सिसोदिया जी को क्यों देंगे आप उन्हें? उसने भाई काम बहुत अच्छा करा। क्या क्या काम अच्छे करे? बच्चों के सरकारी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग और स्कूल में स्विमिंग पूल और जो भी कुछ है, बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई, टीचर वीचर सब। यानी कि आप मनीष सिसोदिया जी को? हाँ भाई। ठीक ठीक जी। खिचड़ीपुर गांव में अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, किसे आप वोट देना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या फिर बीजेपी? आम आदमी पार्टी को देंगे, जो काम करेगा उसी को देंगे। काम कराया, सीसी कैमरा लगवाए, और क्या, जो भी उसी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने। यानी कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दे रही हैं? किस चीज़ का है? देखिए, मैं हूँ दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में और मैं आपको जिस तरीके से लोगों से मिलवा भी रही हूँ, और विधानसभा के जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं, 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कौन सी सरकार ये चाहते हैं, किन्हें चाहती हैं आंटी जी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी। क्यों? वो काम करा रहे दिल्ली के अंदर बहुत सारा। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? जो दिक्कत परेशानी होगा तो वो तो अगर रहेगा तो फिर करेगा। और अच्छा, क्या? जब रहेंगे तो करेंगे। हाँ। लेकिन आपका समर्थन? आम पार्टी। आपका वोट किस पे जाएगा? आम आदमी पे। आम आदमी को चाह रहे हैं। देखिए, मैं लगातार बता रही हूँ आपको, मैं हूँ दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में और हम यहाँ से अब जनता की राय लेने आए हैं कि वो किन्हें वोट देना चाहती है, किसे अब विधानसभा में फिर से बिठाना चाहती हैं, फिर से उम्मीदवार बनाना चाहती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा फिर से दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी है वही रहेगी या फिर कोई अन्य सरकार आएगी। आइए बातचीत करते हैं आंटी से। आंटी जी, किन्हें चाह रही हैं वोट देना आपकी? आम आदमी केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, अच्छी मतलब एजुकेशन। क्यों नहीं बीजेपी को? बीजेपी प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी ही होना चाहिए। कांग्रेस? अब कांग्रेस तो पीछे हो गई, कांग्रेस को तो भूल ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है।
आम आदमी पार्टी का साथ दे रही हैं? आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे लोगों की यही डिमांड है, खिचड़ीपुर जो गांव है उसमें सभी का अभी तक जो हमने बातचीत करी है सभी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी है। और जानते हैं अभी क्यों चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, किसे चाह रहे हैं हम? आम आदमी क्यों? विकास, उन्होंने स्कूल में काम अच्छा किया है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। और जो 5 साल में उन्होंने किया किसी ने नहीं कर पाया, केजरीवाल जी ने। लोग तो कहते हैं कि वो दोबारा आ गए तो कहीं वो टैक्स ज़्यादा ना बढ़ा दें, जो फ्री कर रहे हैं योजना उससे पैसे ना वसूलने लग जाएं। क्या आपको लगता है ऐसा करेंगे केजरीवाल जी? उसके मैटर मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट में जिस हिसाब से केजरीवाल ने रिस्पॉन्स दिया बहुत अच्छा दिया। जिस तरीके से लोगों की पसंद तो आपने देख ही ली है कि काम जो करेगा उनका वोट वहीं पे जाएगा, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव है वो नज़दीकी हैं, 1-1.5 महीना बाकी है। सर किन्हें चाहेंगे आप, किन्हें वोट देना चाहेंगे? बीजेपी, भाजपा। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा का समर्थन आप क्यों करना चाहते हैं? हैं? क्यों करना चाहते हैं भाजपा का? भाजपा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी के फुल सपोर्ट है। आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी भी अपनी जगह पे सही है, हम कुछ कह नहीं सकते बाकी। और आगे आप? हमारा बीजेपी। बीजेपी जी। और आप? ओके, बीजेपी। ओके, आम आदमी पार्टी। ओके ओके, आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी का समर्थन क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो काम अच्छा जो देखते हैं जिसका उसी का सपोर्ट होना चाहिए। बीजेपी क्यों करना चाहते हैं बीजेपी का समर्थन? बस हम एक तो सपोर्टर शुरू से बीजेपी के हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के हमें जो भी काम है अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ये घरेलू ना करके एक अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लगता है कि बीजेपी अगर केंद्र में है और वो दिल्ली में भी आ जाए, दिल्ली गवर्नमेंट में भी, तो वो काम अच्छा होगा ज्यादा? हाँ बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि क्या ना अभी तो वो सही से काम इसलिए नहीं करा पा रहे कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं अपनी। जैसे अपनी सरकार हो जाएगी उनकी दिल्ली में भी, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम करेंगे वो। आप क्यों नहीं चाहेंगे? बीजेपी जी। क्यों बीजेपी? बीजेपी अरे हर बार अवतार थोड़ा लेते हैं, विष्णु भगवान मोदी जी ने तो अवतार लिया है इंडिया के लिए। आम आदमी पार्टी है जी? आम आदमी नहीं, कुछ नहीं, नहीं हमने कुछ हो रहा है। 5 साल में जो काम केजरीवाल ने किया, आज तक की सरकार ने जो 5 साल में किया 15 साल में भी नहीं करा। तो आपका समर्थन केजरीवाल जी को? केजरीवाल, केजरीवाल। अब के मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? केजरीवाल को जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, सारे काम अच्छे करे इसलिए। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करा हमारे लिए। अच्छा, तो आपका वोट केजरीवाल जी को चाह रहे हैं? केजरीवाल को जाएगा। हाँ केजरीवाल को, यहाँ पर सब केजरीवाल को। केजरीवाल। हाँ। विधानसभा के चुनाव आ रहे, किन्हें वोट देना? केजरीवाल। क्यों? काम बढ़िया कर रहा है, स्कूल बना रहा है, स्कूल सड़क बना रहा है, लाइट दे रहा है, बिजली दे रहा है, वाईफाई दे रहा है, और क्या देगा, सारी सुविधा दे रहा है। अच्छा, इसलिए आप वोट देना चाहते हैं? बीजेपी? बीजेपी नहीं। कांग्रेस? नहीं। देखिए जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव अब 1-1.5 महीना ही बचा है, आने वाला है, आइए जानते हैं लोगों से क्या है राय, किन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? मैडम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत काम किया हमारे यहाँ, कई स्कूल बना दिए, पानी का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल नहीं आ रहा, बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर वो आ जाते हैं दोबारा तो आप और क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं उनसे? उनसे यही अपेक्षा रख रहे हैं जो काम कर रहे हैं आगे तक करते रहे, बिजली पानी जब तक फ्री रहना चाहिए, जब तक हम जिंदे रहें। बस जो भाई साहब ने कहा वही है। केजरीवाल? हाँ केजरीवाल जी। आप? केजरीवाल। इनके तरफ लगाओ। नहीं हाँ बिल्कुल केजरीवाल आना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, और पसंद है लोग। आप किन्हें वोट देना चाहेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल, केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? अच्छे काम करें, बढ़िया काम कर, हमारे शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छा काम करा है, बहुत बढ़िया काम। आप किने देना चाहेंगे? ये तो केजरीवाल, हम तो केजरीवाल ही हैं। केजरीवाल है, सब केजरीवाल। बहुत पता बिना कौन सी तू कर दे रहे? आम आदमी पार्टी को दे दो। आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को क्यों? काम कर रही है, स्कूल बदल दिए, प्राइवेट स्कूल कर दिए उन्होंने सरकारी को, सब चीज कर रही है, हॉस्पिटल में चेंज दिख रहा है, सुविधाएं काफी दी। बीजेपी क्यों नहीं? दिख काम दिख नहीं रहा उनका दिल्ली में तो। मुख्यमंत्री बनाना चाहोगी? अरे बोलना ही है, बता दो ना किसको बनाओगे।
हमारा राशन कार्ड बनवाएंगे तो नहीं देंगे हमारा राशन कार्ड। ये कह रही है हमारा राशन कार्ड जो बनवाएगा, अभी आपका राशन कार्ड नहीं बना, हमारा नहीं बना। हम लोग भी राशन कार्ड ही बना है ना, बनेगा तो हमारा भी नहीं बना है। कौन सा ब्लॉक है ये? ये खिचड़ीपुर है, गली नंबर एक। खिचड़ीपुर गली नंबर एक। ठीक 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 है। इनका राशन कार्ड नहीं बना है और ये कह रही है कि जब मेरा राशन कार्ड बन जाएगा मैं उसी को वोट दूंगी जो बनवाएगा। आपको पता है कौन बनवाएगा आपका राशन कार्ड? वो तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बनी ना रहे कहीं है। भैया जो जो काम करेगा वो सही वोट दे देंगे। ठीक है भाई, तक आपको क्या लगता है कि काम जो हो रहा है वो किसने करवाया है दिल्ली में? दिल्ली में झाड़ू वाले ने, आम आदमी पार्टी। भैया केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल जी को दोगी? किन्हें वोट देने हैं? किसे देना चाहोगे? ऐसे कैसे, ये तो हमारा सीक्रेट हो। वो है, तो सीक्रेट है, लेकिन जिसने काम किया किसको लगता है आपको किसने काम किया है? जो काम कर रहा है उसको देंगे, जो काम कर रहा है। पैसे देना चाहोगे आम आदमी पार्टी को? आम आदमी क्यों? क्यों, उसने सब कुछ करा, गली भी बनाई है, सिविल लाइन भी सही करी है और बिजली भी सस्ती कर रखी है। इसलिए केजरीवाल? इसलिए। एक मिनट आंटी, मैंने पकड़ रखा, आप बोलना। हाँ बोलूँ। हाँ क्या बोलूँ? किसे वोट देना चाहेंगी? कौन आपके लिए काम कर रहा है? अब तो केजरीवाल ही कर रहा। केजरीवाल जी कर रहे हैं? हाँ जी। आपका वोट वहीं जाएगा या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस? ना वहीं जाएगी हमारी। कहाँ? कांग्रेस वापस या जाएगी केजरीवाल के पे? क्यों भाई? वे काम कर रहे हैं कुछ हमारे लिए। अच्छा। बहुत काम कर रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ ठीक। क्या बोल रही हैं आपकी बहू की पेंशन क्या? हमारी बहू की पेंशन है, पुष्पा नाम है, विधवा है, विधवा है। अरे हो गए विधवा अभी 16-17 साल, और पेंशन आ रही है अब 3 महीना तो पेंशन रुक रही पड़ी है उसकी। अच्छा। आ नहीं रही। ठीक ठीक। हाँ उसकी पेंशन आनी चाहिए। कि यहाँ की सड़क जो है आप देख सकते हैं कैसी है, खिचड़ीपुर गांव है ये। जिस तरीके से एक महिला जा रही है, इनसे पूछते हैं किन्हें वोट देना चाहेंगी? केजरीवाल को। क्यों? अच्छा काम कराते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी सही कराते हैं सब, पर कांग्रेस सब सब केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल जी अंकल दोगे? मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है वो काम कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक। आम लोगों के लिए बोलो। देखिए खिचड़ीपुर गांव में तमाम लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं किन्हें ये मुख्यमंत्री अब दोबारा बनाना चाहते हैं या फिर किन्हें चाहते हैं आंटी, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो? ऐसा है, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल अच्छा है, सुविधा दे रहा है पानी बत्ती की, और यही चीज़ें पब्लिक को जरूरी होती है। तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? अब वोट की तो हम नहीं बता सकते, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल आएगा तो वोट तो कहीं ना कहीं सही जाएगा। अच्छा। मैं तो मोदी समर्थक हूँ जी, सीधी साधु बात है आपको जो है तो मैं मोदी जी को दूंगा। जी 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 ना, मैं तो खैर नहीं दूंगी। ठीक है। अच्छा। मैं तो भाई केजरीवाल को बुलाऊंगी, पानी बत्ती की सुविधा हमें मिलती है। वोट तो मैं किसी दे ही दूंगी, वोट तो देना है मेरे को, किसी का देना है तो आपको, आप अपना वोट ऐसी कैसे खराब कर लोगे? नहीं देंगे। आपको लगता नहीं है कि हमें किसे वोट देना चाहिए? जो हमारे लिए काम कर रहा होगा उसे वोट देना है? वोट मेरे को देना है? नहीं, बीजेपी को दे देंगे वोट। वोट तो देना, वोट तो खाली करना नहीं है ना मेरे को। वोट तो बीजेपी को देता, किसी को देना नहीं? नोटा नहीं दबाएंगे हम, किसी को देना वोट तो देना है मेरे को। वोट दो दे देंगे, बीजेपी को देंगे और किसी को देंगे भाई। और केजरीवाल? अरे केजरीवाल को वोट डालना है, केजरीवाल जो हमारे साथ देगा उसी को देंगे वोट। अभी कोई साथ नहीं दे रहा आपको? अभी कोई साथ देता होता तो यहाँ बैठे होते। बताओ की परेशानी नहीं? बच्चे छोटे बच्चे छोड़ के गाँव में पढ़ाते हैं, बताओ पैसे की, इंसान की ड्यूटी भी सही नहीं, काम कर रहा है बंदा तो बताए क्या करेंगे हम किराए पर रह के? बताओ क्या क्या देना है मेरे को? देना चाहेंगे दिल्ली में? मैं जी सिसोदिया, सिसोदिया जी को देना चाहूँगा। हमारे सिसोदिया जी मिनिस्टर साहब जो हैं शिक्षा मंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और बहुत से काम हैं पानी में, बिजली में। और बीजेपी? बीजेपी की तो संभावना में लिख जी आती ही नहीं है इधर को, तो निगम पार्षद जी आते हैं। हाँ जी सिसोदिया जी आते हैं। हाँ जी आए हैं। कोई मांगे के मित्र आवे, कोई मेद होवे कभी दे देंगे। काम कौन कर रहा है आपके इलाके में, खिचड़ीपुर गांव में? गांव में काम हो रहा है? काम तो हो रहा है। आपको पता है क्या क्या काम हो रहा है, किस कौन करवा रहा है? हो रहा है
नाले साफ ना हो रहे हैं। नाले साफ नहीं हो रहे ना हो रहे और इधर भी ना हो रहे रोड पे। अच्छा विधानसभा के चुनाव आने वाले किसे वोट दोगे? हम तो भैया किसे भी देंगे हैं? किसी को नहीं वोट ठीक अपना कि कोई मेरी पार्टी सारे जीत जाते हैं। वैसे तो मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी सीएम यहाँ पे काफी काम कराया तो उन्हीं को वोट जाएगा जो। अच्छा और अन्य पार्टी? अन्य पार्टी वैसे काम कराया है उससे पहले भी लेकिन कैंडिडेट ने काम करा, बीजेपी ने तो खैर कुछ नहीं करा लेकिन कैंडिडेट थे उससे पहले, लेकिन काउंसलर थे उन्होंने काम करा है। अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, वोट अब फिर से डालना होगा, किसे डालना चाहोगे? अभी तक तो हम झाड़ू वालों को देते थे वोट और अब केजरीवाल अब उन्हीं के देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, नालियाँ वगैरह बनवाई हैं, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, उन्हीं को देना चाहिए। बीजेपी को क्यों नहीं? चलिए कोई बात। आपको क्या लगता है आप किसको वोट देना चाहते हैं, कौन से मुख्यमंत्री बनना है दिल्ली में चाहिए, केजरीवाल जी या फिर कोई अन्य? केजरीवाल ने अच्छे काम करे थे, केजरीवाल ही बनना चाहिए। डिप्टी सीएम यहाँ से? हाँ केजरीवाल ही बनना चाहिए। ठीक है केजरीवाल। खिचड़ीपुर गाँव में ना किने वोट देना चाहोगे? किने वोट दोगे? केजरीवाल को। क्यों? क्यों दोगे केजरीवाल जी? केजरीवाल हम लोग काम करता है। अच्छा काम करते हैं। केजरीवाल जी को बनाना चाहिए। केजरीवाल जी को क्यों? हाँ जी बिजली पानी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पे आती ही नहीं थी खिचड़ीपुर में। हाँ जी पहले नहीं आती थी, अब सब चीजें हैं। सब चीजें हैं। हाँ जी डिप्टी सीएम आते हैं यहाँ पे? कभी आए हैं? आ जाते हैं कभी कभी। हाँ जी हम भी केजरीवाल को देना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी को क्यों? आम आदमी हाँ इसको ऊपर उठा लिया। आप खिचड़ीपुर गांव में रहते हैं? हाँ जी। किन्हें वोट देना चाहेंगे? केजरीवाल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजली का भी माफ कर दिया और रिक्शा के लिए भी वो सपोर्ट करते हैं, तो केजरीवाल हमारे लिए सही है। ठीक ठीक। हाँ जी यही रहते हैं आप? हाँ जी। किन्हें वोट देना चाहेंगे? केजरीवाल जी को। क्यों? क्यों अपनी मर्जी है, वोट हमारा अधिकार है, जैसे जिस मर्जी को दे। नहीं आपने मतलब काम के वजह से या फिर ऐसे ही केजरीवाल जी को देना है? केजरीवाल जी को देना है जी वोट तो। अब इसके बारे में इतना तो ज्ञान ही नहीं। अच्छा, जो ज्ञान दे दूँ आपका वोट केजरीवाल जी के पास जाए। हाँ जी ठीक जो है। अच्छा बोल दीजिए। वैसे हम बीजेपी को देते हैं हमारा सारा खानदान जो है, इस बार हम जो है ना जो दिल्ली का जो है वोट वो केजरीवाल जी को देंगे। काम की वजह से? काम की वजह से। अच्छा काम तो अच्छा कर ही रहे हैं वो। क्यों मोदी जी नहीं? मोदी जी का सेंटर में काम है वो, और भी है बहुत सी। बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए यहाँ दिल्ली में? नहीं बननी चाहिए दिल्ली में। तो देखो अभी कबीर नगर गया था दो तीन दिन पहले कबीर नगर गया था तो वहाँ छोटे छोटे कामों में सील लग रही है। अच्छा। ये जो बेचारे सिलाई मशीन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, एक के तो कमरे में सील लग गई। कमरे में सील लग गई वो, उसमें थोड़ा सा छोटा मोटा कोई काम कर रहे होंगे। जैसे जो इंदिरा गांधी जी ने वो लघु उद्योग चलाया था, लघु उद्योग ही है एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा जो काम करेगा, जो पब्लिक के हित की बात करेगा आप उसी को वोट देंगे जी। आपका वोट क्या नहीं बन रखा? वही तो मैं कह रहा हूँ नहीं बन रखा। कितने साल से रहते हैं यहाँ पे खिचड़ीपुर? प्रॉपर है यहाँ के जी, पैदाइशी है के जी। कौन सा नंबर है आपका? हाउस नंबर 100 खिचड़ीपुर गाँव जी। ठीक ठीक। वोट देना चाहेंगे हम केजरीवाल को देना। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं ना। अच्छे काम करे सड़क भी और पानी। क्या कहना चाहेंगे अगर वो दोबारा आ जाते हैं या कोई अन्य सरकार भी आ जाती है, कोई भी आ जाती है उनसे क्या? हमारे लिए यही, हम तो ऑटो भी चलाए हैं 3 साल, बाकी सही हमारे लिए सही है। जैसे हॉस्पिटल हो गया सब चीज ना फ्री है गरीबों के लिए। गरीबों के वोट जिसका इलाज होगा वही दे सब लोग साथ में। केजरीवाल जी वो अच्छे काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है हम तो झाड़ू वाले को देंगे। झाड़ू वाले को क्यों दोगे? क्यों क्या? जो को साथ करेगा उसको देंगे। केजरीवाल जी को। केजरीवाल केजरीवाल जी को वोट दोगे जी? बस वो काम अच्छा कर रहे हैं। आपकी हमारी वोट काट दी केजरीवाल ने। केजरीवाल जी ने वोट कौन से नंबर में रहते हैं यहाँ खिचड़ीपुर में? खिचड़ीपुर में कौन सा नंबर है ये तो बता दो। तीन नंबर में। आप किसे वोट दोगे? जी हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों? अच्छा लगता है बस इसलिए। अच्छा दादा ने दिया तो
दादा ने दिया तो पोते ने, बाप बेटा सब एक। अच्छा, आप कितने वोट देंगे? देखेंगे, मैं डिसाइड नहीं किया अभी। अभी डिसाइड नहीं? कब करोगे? तो आने वाले हैं, देखते हैं अभी। जिसका विजन अच्छा लगेगा दिल्ली के लिए, जिसकी अच्छी वो लगेगी। क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए? अभी तो डिसाइड है नहीं, पर देखिए अब नया विजन कौन लेके आता है, किसके पास अच्छी प्लानिंग है। आपको तो लग रहा हो ना ये काम कर रहा है तो हमें इसे देना चाहिए। देखिए मेडिकल में और एजुकेशन में तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, नो डाउट। बाकी मैं मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री तो देखिए अब कुछ कह नहीं सकते अभी, मैंने कहा ना डिसाइड नहीं। कहना चाहता है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलमेट उतार लो। गाँव आप खिचड़ीपुर गाँव रहते हैं जी? किन्हें वोट देना चाहेंगे? केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल जो है वो सही है, अच्छी सुविधा है यहाँ जी, है खिचड़ीपुर गाँव में जी। आप जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। आम आदमी पार्टी क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं। आप कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों? हाँ जी, तो हमारे समर्थन देती है हर चीज में, आगे आती है, बाकी अदर पार्टियां साथ नहीं देती। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे क्या काम करवाए हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के काम में बहुत अच्छा किया है, शिक्षा में स्कूलों का भी अच्छा काम किया है, बाकी लेडीजों के लिए फ्री बस कर दी है, वाईफाई, सीसी कैमरे, बहुत काम किया है। आप किन्हें देना चाहोगे चाचा? बीजेपी। बीजेपी? हाँ, पूछा कि बीजेपी ही एक रास्ता ऐसा है जो कि भारत को बचा सकता है। अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना मेरा, अभी 18 साल के नहीं हुए। हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल जी को क्यों दोगे? मेरी मर्जी है, मुझे अच्छा लगता है। आप किसे देना चाहेंगे वोट? अब मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले हैं ना विधानसभा के, केजरीवाल को दे दूंगा। क्यों दोगे केजरीवाल जी? क्योंकि केजरीवाल थोड़ा बढ़िया काम कर रहा है, हम तो यही चाहते हैं कि जो बढ़िया काम करे उसी को पास करो। आपकी बड़ा, आपको वोट नहीं बनना? नहीं बनना। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? एक डेढ़ साल से है? एक डेढ़ साल से बना नहीं है अभी। कौन सा मकान नंबर आपका? मकान नंबर किराएदार है मैडम। कौन सी गली में है? हम ससी गार्डन में रहते हैं। बीजेपी आएगी? आप बीजेपी? तो आपने देखा किस तरीके से खिचड़ीपुर गांव में लोगों ने अपनी राय बताई कि वो किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की बातें जो रही हैं कामों को लेकर के रही है, जो काम करेगा हम उसी को मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। और आपने खुद ही देख ही लिया है कि सपोर्ट किसकी तरफ जाता है, वो तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा, जब सरकार बन जाएगी तभी पता चलेगा कि अब की मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकॉन दबाना ना।